मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। दोस्तों, मणिपुर जल रहा है और मणिपुर जलने के पीछे वहां के आम नागरिकों की क्या हालात है इसके बारे में कोई मीडिया बात नहीं कर रहा, और ना ही 2017 में मणिपुर में प्रधानमंत्री मोदी की वो तस्वीर दिखाई जा रही है जहां उन्होंने प्रचार प्रसार कर कहा था कि मणिपुर का विकास वो करेंगे, और ऐसा विकास किया है कि अब तक 100 लोगों से ज्यादा की जान जा चुकी है, और जान जाने के बाद भी ऐसी चुप्पी साध ली है जिस पर कोई सुगबुगाहट नहीं है। देश का मीडिया छतरी लेकर नाचता हुआ रिपोर्टिंग करता हुआ तो नजर आता है, लेकिन मणिपुर के हालातों पर कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। वो अपनी टाइमलाइन से मणिपुर को पूरी तरीके से गायब कर देना चाहते हैं क्योंकि उसमें सरकार की वाहवाही नहीं, उसका फेलियर दिखाई पड़ता है। हर कोई सिर्फ यही कहता नजर आ रहा है कि ये सरकार का सबसे बड़ा फेलियर है दोस्तों। लेकिन मजाल है कि कोई इस पर शो करे, कोई बात करे, कोई इस पर एतराज करे कि मणिपुर में इतने दिनों से ये हिंसा जारी क्यों है, इसे रोका क्यों नहीं गया है, इस पर सत्ता की तरफ से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया है। इंटरनेट बंद है, आए दिन जलने की तस्वीरें सामने आती हैं और उसके बावजूद कोई सुगबुगाहट नहीं है। आपको बता दें दोस्तों कि आम नागरिकों की तो बात छोड़ दीजिए, भाजपा के केंद्रीय विदेश और शिक्षा राज्य मंत्री राजकुमार रंजन के घर को फूंक दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई आम नागरिक नहीं है, ये भाजपा के मंत्री हैं जिनका घर वहां फूंक दिया गया है। तो आप बस ये अंदाजा लगाइए कि क्या हालात हैं वहां पर, कि अब तक वहां पर ये आक्रोश दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है जिसका शिकार अब खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग होने लगे हैं। और क्या है पूरा मामला हम आपको बता देते हैं। मणिपुर में 3 मई से कुकी और मुतई समुदाय के बीच आरक्षण को लेकर जातीय हिंसा चल रही है। 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गुरुवार देर रात फिर हिंसा हुई, कई लोगों ने भाजपा सांसद और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन के इम्फाल स्थित घर में आग लगा दी। घटना की स्थिति मंत्री केरल में थे और मुतई समुदाय के हैं। राजकुमार रंजन सिंह ने कहा कि कल रात जो भी हुआ उसे देखकर दुख हुआ। मुझे बताया गया कि 50 से अधिक लोगों ने घर में करीब रात 10 बजे हमला किया और घर जला दिया। मंत्री कहते हैं कि मैं हिंसा के दौरान पूरी तरीके से हैरान हूं कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। पिछले 20 दिनों में मणिपुर के मंत्री विधायकों के घरों पर हमले का चौथा मामला सामने आया है। 14 जून को इम्फाल में उद्योग मंत्री नेमचा की सरकारी बंगले को फूंक दिया गया, और फिर 8 जून को भाजपा के विधायक सेराई साम केबी के घर एआईडी से हमला किया गया। 2 लोग बाइक लेकर आए और फिर उनके घर पर बम फेंक गए। राहुल गांधी का साफ तौर पर कहना है कि भाजपा की नफरत की राजनीति में पूरा मणिपुर जल रहा है। मणिपुर हिंसा पर गुरुवार को राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि भाजपा की नफरत की राजनीति मणिपुर को 40 से अधिक दिनों से आग में जलाकर उन्होंने रखा है, जिसमें 100 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। पीएम पूरी तरीके से खामोश है। हिंसा खत्म होने और शांति बहाल करने के लिए राज्य एक सर्वदलीय प्रतिनिधित्व वहां पर प्रतिमंडल भेजा जाना चाहिए। नफरत के बाजार को बंद करना चाहिए और मोहब्बत की दुकान खोलने का मणिपुर में वक्त आ गया है। 500 से ज्यादा सिविल सोसाइटी के बयान भी जारी करके उन्होंने कहा है कि मणिपुर में जारी हिंसा पर वशिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर सिविल सोसाइटी के 2 पन्ने के बयान को जारी किया। भूषण ने लिखा है कि हिंसा पर प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए और इनकी जवाबदेही बनती है। कोर्ट की निगरानी में एक ट्रिब्यूनल बनाया जाना चाहिए जो हिंसा की घटना की जांच करे और जिम्मेदारी तय करे। लोगों को न्याय दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने चाहिए। राहत पुनर्वास के काम को तेज किया जाना चाहिए। इस लेटर पर देश के करीब 500 संस्थानों, संगठनों, सांसदों, पूर्व नौकरशाही मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर उन्होंने राज्य सरकार की बंटवारे की राजनीति पर रोक लगाने की मांग की है।
म्यांमार से मणिपुर में घुसे 300 से अधिक हथियारबंद लोग म्यांमार के राज्य बिश्नापुर जिले में 300 हथियारबंद लोगों को घुसने की जानकारी मिली। सूत्रों के अनुसार तारबुंग के जंगल में ठिकाना बनाने के बाद हिंसा में समूह को अगर बात करें तो इनमें चीन और कुकी भी के भी लोग शामिल हैं। सुरक्षा एजेंसियों से पता लगाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इसी बीच गुरुवार दोपहर में विष्णुपुर जिले में त्रिलंगा ओबी के कुकी हमले में पुलिस वाहनों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। इसमें पुलिस का एक कमांडो शहीद हो गया जबकि दो अन्य पुलिस कर्मी पूरी तरीके से जख्मी हो गए। इसी बीच राज्य में मोबाइल इंटरनेट प्रतिबंध का 20 जून तक बढ़ा दिया गया है। 28 मई को कांग्रेस विधायक के घर पर भी हमला किया गया था। कुछ लोग सोरो गांव से आए और उन्होंने विधायक रंजीत के घर पर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। केंद्र सरकार ने गवर्नर की अध्यक्षता में शांति समिति बनाकर केंद्र सरकार को 10 जून को मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए राज्यपाल की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी और सदस्यों में मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के कुछ मंत्री, सांसद, विधायक और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता तथा बुद्धिजीवियों के कलाकारों को शामिल किया गया था। इसमें से कुछ कलाकारों और बुद्धिजीवियों ने इसमें शांति पूरी तरीके से शुरू करने की बात की है। अगर बात की जाए तो तमाम मणिपुर के रहने वाले अभिनेता, निर्देशक, तमाम लोगों ने शांति बनाए रखने की अपील की है। हिंसा में अब तक 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और मणिपुर में 3 मई से ये हिंसा जारी रहने की वजह से 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, 300 से ज़्यादा लोग घायल है, 47,000 से ज़्यादा लोग 272 राहत शिविरों में रहने के लिए मौजूद है। वहीं 10 जून को राज्य में 11 अफसरों का तबादला कर दिया गया है। इसमें एक आईएएस, एक आईपीएस अफसर शामिल है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह इन महीनों की शुरुआत के 4 दिनों में वहां आए थे। इसके दौरान डीजीपी को भी हटा दिया गया है, उनकी जगह राजीव सिंह को कमान सौंप दी गई है। सीबीआई ने 6 केस दर्ज किए हैं, जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है। 9 जून को सीबीआई ने मणिपुर हिंसा के संबंध में 6 केस दर्ज किए थे, जांच के लिए एसआईटी भी बनाई गई, इसमें 10 सदस्य हैं। इसी दिन कोर्ट ने साफ तौर पर इंटरनेट की सुनवाई करने से इनकार कर दिया। तो दोस्तों, तस्वीर साफ है कि मणिपुर के हालात बद से बदतर हो गए हैं और उस हालात के ऊपर देश के प्रधानमंत्री खामोश हैं, देश के गृह मंत्री खामोश हैं। 500 से अधिक लोगों ने शांति बनाए रखने और तमाम कमिटी को जारी किए जाने वाले लेटर को अपने सोशल मीडिया पर जारी कर बताया है कि मणिपुर को ऐसे जलने नहीं दिया जा सकता। सरकार के निकम्मेपन की वजह से 100 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, 47,000 से ज़्यादा लोग अब शिविरों में रहने के लिए मजबूर हैं। इंटरनेट की जो बंद करने की सुविधा थी उसको भी बढ़ाकर 18 जून तक कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि हम इंटरनेट को बैन ही रखेंगे और इस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन उसके बावजूद सवाल यही उठता है कि प्रधानमंत्री की चुप्पी सिर्फ चुनावों के दौरान मणिपुर में जाकर हम सबका विकास करेंगे क्या इसी बात के लिए की गई थी? और ये एक ऐसा विकास है तो 47,000 लोग क्यों शिविरों में रहने के लिए मजबूर हैं? और तो और 400 से ज्यादा लोग क्यों घायल हुए और 100 से ज्यादा लोगों को क्यों जान गंवानी पड़ी? सवाल गंभीर है लेकिन इसका जवाब देश के प्रधानमंत्री की चुप्पी में छुपा है, क्योंकि उस चुप्पी में विकास की उस किरण के बारे में हर कोई देख रहा है, क्योंकि मासूमों की जान की अब किसी को कद्र नहीं है। और अब भारतीय जनता पार्टी और तमाम लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं तो हर कोई हाय तौबा मचाता हुआ दिखाई दे रहा है और जान, किसी की भी जाना कभी भी जस्टिफाई नहीं हो सकता। कैसी लगी ये रिपोर्ट? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।